नस्ली बरादरी की वजारत और नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने वीडियोस की सीरीज को बनाने के लिए मिलकर काम किया है, ताकि हमारी बरादरियों को मालूम हो कि मुख्तलिफ आफात और हंगामी हालात की तैयारी करने के लिए क्या करना है और जब इनसे वास्ता पड़े तो इनसे कैसे निबटना है। हंगामी हालात किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकते हैं। इनमें जलजले, सैलाब, तूफान, सुनामी, आग और आतिशफशानी सरगर्मी शामिल है। जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो सिविल डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों की मदद करने में मसरूफ होंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लिहाजा ये जरूरी है कि आपके पास अपनी और अपने खानदान की देखभाल करने का मंसूबा हो। इस वीडियो में बताया गया है कि सैलाब आने की सूरत में क्या करना है। सैलाब न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वह हंगामी सूरत हाल है जो सबसे ज्यादा पेश आती है और सबसे ज्यादा हलाकतों का सबब बनती है। सैलाब और फ्लैश फ्लड, अचानक आने वाले सैलाब, तेजी से आ सकते हैं। अगर आप पानी को बढ़ते हुए देखें तो सरकारी इंतबाहात का इंतजार ना करें, अपना ग्रैब बैग लें, ऊंची जमीन की तरफ जाएं और सैलाबी पानी से दूर रहें। सैलाब के दौरान पानी में कभी भी चलने, तैरने या गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें। आपको हमेशा ये फर्ज करना चाहिए कि सैलाब का पानी आलूदा है। इसमें खेतों का मादा, केमिकल्स और सीवरेज शामिल होते हैं। सैलाब का आलूदा पानी आपको बीमार कर सकता है, लिहाजा इसे पीने से गरेज करें। पालतू जानवरों को महफूज जगह पर मुंतकिल करें। अगर आपके लिए अपना घर छोड़ना जरूरी है तो अपना ग्रैब बैग लें और अपने पालतू जानवरों को अपने साथ ले जाएं। अगर घर आपके लिए महफूज नहीं है तो उनके लिए भी महफूज नहीं है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप कीमती और खतरनाक अशिया को फर्श से ज्यादा ऊंची जगह पर रख दें। इसमें बर्की आलात और केमिकल्स शामिल हैं। अहम अशिया को जखीरा करने के लिए वाटर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। अगर पानी, बिजली और गैस को बंद करने का मशवरा मिले तो उन्हें बंद कर दें और फर्श से पर्दे, कालीन और बिस्तर उठा लें। सैलाब के बाद घर सिर्फ उस वक्त वापस आएं जब सिविल डिफेंस और हंगामी खिदमात आपको बताएं कि वापसी महफूज है। सैलाब का पानी कम होने के बाद भी इम्कान होता है कि वापसी महफूज ना हो। तबाहशुदा इलाकों से दूर रहें। आप रेस्क्यू और दीगर हंगामी कार्रवाइयों में रुकावट बन सकते हैं और सैलाब के बाकी मानदा इसरात से मजीद खतरे में आ सकते हैं। सैलाब के बाद जमीन और फर्श पर फिसलन हो सकती है या वह मलबे जैसी टूटी हुई बोतलें या कीलों में दब सकती हैं। लिहाजा किसी जगह कदम रखने से पहले देखना जरूरी है। सैलाब की पानी से मुतासरा खाने की अशिया और पीने के पानी को फेंक दें और नल का पानी पीने या उससे खाना तैयार करने से उस वक्त तक गरेज करें जब तक आपको यकीन ना हो कि ये आलूदा नहीं है। अपने मुकामी हिकाम की तरफ से पानी उबालने की हिदायत पर अमल करें। अपने घर और उसमें मौजूद हर चीज को साफ और खुश्क करें और वह सब चीजें फेंक दें जो सैलाब के पानी से गीली हुई थी और जिन्हें साफ नहीं किया जा सकता। लकड़ी के चम्मच, प्लास्टिक के बर्तन और बच्चे के दूध की बोतल के निपल और डमी अगर सैलाब के पानी से आलूदा हुई हैं तो उन्हें फेंक दें। उन्हें महफूज तरीके से साफ करने का कोई तरीका नहीं है। धात के बर्तनों और अशिया को साफ पानी में उबालकर जरासीम से पाक करें। अपनी हिफाजत के लिए सांस लेने वाला आला, रेस्पिरेटर, चश्मे, दस्ताने और ऐसा हिफाजती लिबास पहने जो आपकी बाजुओं और टांगों को ढांपता हो। जलजले लैंडस्लाइडिंग को मुतहरिक कर सकते हैं, लिहाजा आपको लैंडस्लाइडिंग की इंतबाही अलामात का इल्म होना चाहिए ताकि अगर आपको ये अलामात नजर आए तो आप तेजी से इकदामात उठा सकें। धुलवानों की निचली जानिब जमीन के थोड़ा बहुत अपनी जगह से फिसलने, चट्टानों, पत्थरों के गिरने और जमीन के धंसने, दरवाजे और खिड़कियां फ्रेम्स में फंसने और फ्रेम्स और दीवारों के दरमियान खला पर नजर रखें। इसके अलावा इमारतों से बाहर फिक्स्चर जैसे सीढ़ियों, डेक और बरामदों पर भी नजर रखें कि वो घर के बाकी हिस्सों से दूर हट या झुक तो नहीं रहे। इसके अलावा जमीन, सड़क, फुटपाथ, रिटेनिंग वॉल्स और दीगर सख्त सतहों पर दरारें और उभार बनने और दरख्तों, रिटेनिंग वॉल्स पर फेंसेस के झुकने पर भी नजर रखें। अगर लैंडस्लाइडिंग हुई है या आपको लगता है कि होने वाली है तो अपना ग्रैब बैग पकड़ें और वह जगह जल्दी से छोड़ दें और जिस इमारत में आप मौजूद हैं वहां से निकल जाएं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के बाद सिविल डिफेंस और हंगामी खिदमात का मशवरा सुने और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हिफाजत को खतरा लाहक होने का खदशा हो या आपकी इमलाक को मजीद नुकसान पहुंचने का इम्कान हो।
अगर हो सके तो अपने पड़ोसियों को चेक करना और दूसरों की मदद करना याद रखें, खास तौर पर वो लोग जिन्हें इजाफी मदद की जरूरत हो सकती है। अपनी इंश्योरेंस का बाकायदगी से जायजा लेना यकीनी बनाएं। आपके घर और सामान के लिए इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है, ताकि आपको किसी आफत में नुकसान पहुंचने की सूरत में आपको अपनी जिंदगी मामूल पर वापस लाने में मदद मिल सके। आपके पास इंश्योरेंस ना होने की सूरत में हालात को मामूल पर लाने में ज्यादा वक्त लगेगा, और इस दौरान आप और आपके घराने के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। अगर आपके घर को नुकसान पहुंचा है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता करें। अगर आप किरायेदार हैं तो अपने मालिक मकान और अपने सामान की इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता करें। हंगामी हालात की तैयारी और उनसे निबटने के बारे में मजीद मालूमात के लिए www.getready.govt.nz पर जाएं। याद रखें, अगर आपको हंगामी सूरत हाल में सरकारी खिदमात से राब्ता करने की जरूरत हो और जुबान के सिलसिले में मदद की जरूरत हो तो आप एक मुतरजिम की दरख्वास्त कर सकते हैं।